जनाब गरीबों का स्विमिंग पूल है। कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत ही ठंडा पानी है, नहर में नहाना सख्ती से मना है और खिलाफ वर्जी करने वालों को पुलिस के हवाले किया जाएगा। लड़के आ जाते हैं और शौक से छलांग लगा देते हैं इस नहर में और उन्हें तैरना नहीं आता तो वो डूब जाते हैं। यहाँ पे अमवात हो जाती हैं लड़कों की, लोगों की। ये देखें, यहाँ पे बहुत कम लोग आपको नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खराफत से होंगे जी। तो ये देखें नहर का नज़ारा आपको करवा रहे हैं हम, और ये तो एक छोटी सी नहर है लेकिन आज हम आपको एक बड़ा ही ज़बरदस्त मंज़र दिखाएँगे, बड़ा खूबसूरत। ये नहर जहाँ से आ रही है वो पॉइंट हम आपको दिखाएँगे। ये देखें, ये नहर है, ये छोटी नहर है, वैसे तो काफ़ी बड़ी है लेकिन जिस नहर को आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसके मुकाबले में ये बहुत छोटी नहर है और एक बहुत बड़ी नहर हम दिखाने जाएंगे आपको आज। तो क्या नाचोगे? तो चलते हैं जहाँ से ये नहर आ रही है, जहाँ से इस नहर का पानी आ रहा है काफ़ी बड़ी नहर से, वो नहर हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। वो नहर हम आपको दिखाएँगे कौन सी नहर है और उस पॉइंट से कितनी नहरें एक जगह से ही एक बड़ी नहर से जा रही हैं, वो सारा सीन हम आपको दिखाएँगे। वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। चलें जी, चलते हैं। ये देखें कि जी व्यूअर्स, ये नज़ारा है नहर का, ये जनाब गरीबों का स्विमिंग पूल। ये देखें जी, आवाम यहाँ पे फुल एंजॉय कर रही है, बड़ा ठंडा पानी है और ये पानी जिस नहर से आ रहा है वो भी हम आपको सीन दिखाते हैं। वहाँ से एक ही जगह से पांच नहरें जा रही हैं, ये थोड़ी सी बड़ी नहर है ये देखें, और इसी नहर से ये एक छोटी नहर जा रही है। यहाँ पर छोटे बच्चे नहा रहे हैं इस साइड पर और इस साइड पे जनाब ये बड़े बच्चे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आवाम आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, वहाँ पे बहुत बड़ी एक नहर है, उस जगह पे आपको बहुत कम आवाम नज़र आएगी। जो बहुत ज़्यादा जिनको तैराकी आती है वही बंदे, बाकी आवाम इधर नहाती है यहाँ पे। जाए तेरी चला। चलो जी वेख के पीछे उठी नहीं बजनी तक। आपको दिखाया है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, नौजवान, बड़े, ये सब यहाँ पे नहा रहे हैं। आपको बहुत बड़ी नहर दिखाएंगे यहाँ पे, इस जगह पे ये पॉइंट है, यहाँ पे बहुत बड़ी नहर जो है वो जा रही है। जी लोग गाड़ियों में, रक्शों में, मोटरसाइकिलों पे बड़ी दूर दराज से यहाँ पे नहाने के लिए आए हुए हैं और खाने पीने की भी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये चाचा जी ने पकोड़े ताज़ा यहाँ पे निकाले हुए हैं। और ये वो नहर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक नहर है और इसको लाहौर की सबसे बड़ी नहर है ये। ये देखें यहाँ पे वाजिया करके लिखा भी हुआ है, नहर में नहाना सख्ती से मना है।
और ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों को पुलिस के हवाले किया जाएगा, लेकिन लोग फिर भी बाज नहीं आते। और ये नज़ारा कमाल का है। इस नहर को खूनी नहर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर साल बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है, जो लोग नहाना नहीं जानते, जिनको तैरना नहीं आता, लेकिन लड़के आ जाते हैं और शौक से छलांग लगा देते हैं इस नहर में, और उन्हें तैरना नहीं आता तो वो डूब जाते हैं। यहाँ पे अमवात हो जाती हैं लड़कों की, लोगों की। ये देखें, यहाँ पे बहुत कम लोग आपको नज़र आ रहे हैं, कोई भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वही बंदे नहाते हैं जिनको बिल्कुल नहाना आता हो, तैरना आता हो। ये नहर का खौफनाक सा मंज़र, बड़ा खौफनाक मंज़र है। बहुत तेज़ पानी है, पानी की तेज़ी बहुत ही ज़्यादा है। इस यहाँ पे जो बंदा गिर जाए वो बंदा नहीं बच सकता। ये देखें पानी की तेज़ी आपको मैं दिखाता हूँ, और इसकी आवाज़ सुने। ये लाहौर और कसूर की सबसे बड़ी नहर है, BRB नहर। और इसकी गहराई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसकी गहराई 20 से 25 फुट गहराई है। पांव लगाना ज़मीन को नामुमकिन है। जो बहुत बड़े और जो होते हैं वो यहाँ पे पांव लगा सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई बंदा पांव नहीं लगा सकता। ये देखें, ये लड़के, इनको बिल्कुल तैरना आता है, ये यहाँ पर नहा रहे हैं। और जो छोटे बच्चे हैं या जिनको तैरना नहीं आता, वो बिल्कुल यहाँ से गुरेज करते हैं, और आना भी नहीं चाहिए इस साइड पे, उन्हें बिल्कुल यहाँ पे नहाना नहीं चाहिए। ऊपर से आपको इसका नज़ारा दिखाता हूँ, ऊपर से आपको नज़ारा करवाता हूँ। ये देखें, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए, लेकिन डर बहुत ज़्यादा लगता है, और चक्कर आ जाए तो बंदा गिर जाता है। और जो यहाँ से गिर गया या मोबाइल गिर गया तो फिर बस वो गया फिर। ये देखें, नीचे से पुल टूटा हुआ है, बड़ा खस्ता हाल है, क्योंकि बहुत पुराने पुल हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इन्हें, तो बड़ा एहतियात करना पड़ता है, एक एक चीज़ का बड़े ध्यान से कदम रखने पड़ते हैं। ये देखें ना, ये टूटा हुआ है यहाँ से, तो ऐसा ना हो कि मेरा पाँव ही नीचे को चला जाए। और ये देखें, ये कमाल का नज़ारा है, ये सीन चेक करें आप। ये देखें, ये देखें जी, बच्चे आ गए यहाँ पे, तस्वीरें बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। हाँ जी, पानी की कितनी गहराई है यहाँ पे आपको पता है? कितना गहरा पानी है थे नहीं पता? ऐसा भी छलांग मार सकता है कोई? पानी थले थले बुर्जियाँ बढ़िया नहीं, ऐसा छलांग ना मारना। चलें जी, आगे चलते हैं। ये देखें माशाल्लाह, नज़ारा कमाल का नज़ारा है जी, पानी इतना तेज़ है। और यहाँ पे नीचे बहुत बड़ी बड़ी बुर्जियाँ बनी हुई हैं पानी के अंदर, और गलती से कोई बंदा यहाँ पे गिर जाए या कुछ भी, कोई जानवर, कोई इंसान, वो बचता नहीं है, उसकी मौत हो जाती है। और अल्लाह माफ़ करे, यहाँ पे जो बंदे गिर जाते हैं या जानवर गिर जाते हैं, उनकी लाश भी नहीं मिलती जल्दी। ये देख, अच्छा इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बड़ा स्मूथली पानी आ रहा है, और कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं है। पानी की इतनी तेज़ पानी आ रहा है, वो तैर के बाहर नहीं निकल सकता, और वो इस चक्कर में फंस जाता है आके यहाँ पे। इधर अगर वो आ गया, काफ़ी ऊंचाई पे मैं खड़ा हूँ, ये देखें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब यहाँ से मैं दिखाता हूँ यार, अब उतरें कहाँ से, के लिए तो जगह ही नहीं है यहाँ पे। ये देखें, इस तरफ से हम लोग आए थे, और छोटी नहरें जा रही है एक बड़ी नहर से। ये बड़ी नहर है BRB नहर, इसी नहर से काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी नहरें निकल रही हैं। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, एक नहर यहाँ से इस जगह पे, मैं जूम करता हूँ, यहाँ से वो नहर जा रही है जहाँ पे बच्चे नहा रहे थे, छोटी नहर में।
ये वो छोटी नहर, यहाँ से उस छोटी नहर का पानी जा रहा है। और दूसरी तरफ, इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से भी, इस तरफ से भी छोटी नहरें जा रही हैं तीन चार, वो भी मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ। व्यूअर्स, इस तरफ नहरें काफ़ी ज़्यादा जो है छोटी छोटी नहरें जा रही हैं इस बड़ी नहर से। मैं ज़ूम करके भी आपको दिखाता हूँ और वहाँ पर हम चलते भी हैं, वहाँ पर जाके भी मैं आपको दिखाऊँगा। एक नहर यहाँ से जा रही है, ये पॉइंट बना हुआ है, ये देखें जी इस तरफ जो है वो पॉइंट बना हुआ है, जूम करके आपको शायद समझ ना लगे। और इस जगह पे एक नहर इस जगह से जा रही है, एक नहर इस जगह से जा रही है, और पांच यहाँ पे मोटरें लगी हुई हैं जो पानी को उठा के और नहर में फेंकती हैं। वो भी हम आपको सीन दिखाते हैं चल के। चलें जी, चलते हैं नीचे और आपको वो पॉइंट, वो सीन दिखाते हैं। लेकिन यहाँ से बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। ये देखें, ये चादर बिल्कुल ख़राब है और ये देखें पाँव यहाँ से नीचे जा सकता है, और गलती से कोई बंदा नीचे गिर गया तो आगे आपको पता ही है। फिर ये देखें, ये बिल्कुल टूटा हुआ है। हाँ ये देखें, ये वो नहर थी, छोटी नहर, ये देखें जी ये छोटी नहर है। वहाँ पे सब लोग नहा रहे हैं क्योंकि उसकी गहराई कम है उस नहर की। और ये बड़ी नहर जो हमने आपको दिखाई, यहाँ पे कोई भी आपको नज़र नहीं आ रहा। ये बड़ी ख़तरनाक नहर है, जो बहुत ज़्यादा तैरना जानते हैं वही यहाँ पे आके छलांग लगाते हैं। वो देखें, ये छोटी नहर है और यहाँ से इसका पानी जा रहा है, ये छोटी नहर का पानी इस जगह, ये देखें जी ये इस जगह से ये छोटी नहर का पानी जा रहा है। ये सारा एक सिस्टम लगाया हुआ है और यहाँ से पानी को बंद भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं पानी को। इसी तरह वो दूसरी साइड पे भी वो नहरें जा रही हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आपको दिखाना है अभी, तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो आपने एंड तक देखनी है। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ज़बरदस्त है। ये शोर चेक करें पानी का, कितना ज़्यादा शोर है यहाँ पे, आवाज़ बहुत ज़्यादा है पानी का। ये देखें जी बड़ी नहर है, यहाँ पे कोई भी बंदा आपको नहाता हुआ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक नहर है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमवात हो जाती हैं लोगों की, जिनको पता नहीं होता कि इतना गहरा पानी है और वो यहाँ पे छलांग लगा दें तो बहुत से लोगों की इसी तरह यहाँ पे डेथ हो गई है। इसीलिए इस नहर को खूनी नहर भी कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी अमवात हो गई हैं, बहुत सारे लोगों की जानें यहाँ पर जा चुकी हैं। ये वो नज़ारा है नहर का, जहाँ से पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, और इसकी रवानी, इसकी तेज़ी बहुत ज़्यादा है। इसका शोर पानी का चेक करें, पानी की आवाज़। उस तरफ चलते हैं वो जो छोटी नहरें जा रही हैं यहाँ से, और बड़ी नहर से किस तरह बहुत सारी मोटरें लगाई हुई हैं, गवर्नमेंट का सेटअप बना हुआ है, छोटी नहर में पानी जा रहा है। नहर ये छोटी, ये पानी इधर से आ रहा है बड़ी नहर से। ये देखें जी व्यूअर्स, यहाँ से ये पानी जा रहा है, और ये नहर एक छोटी सी नहर है। इसी तरह मज़ीद और यहाँ पे में ये जो रूम बना हुआ है, बहुत सारी मोटरें इसके अंदर लगी हुई हैं, पांच या तो इंजन लगे हुए हैं अंदर या बहुत बड़ी बड़ी मोटरें लगी हुई हैं। ये देखें, ये जो पाइप आपको नज़र आ रहे हैं, इतनी ही यहाँ पे मोटरें, तो यहाँ पे आके दो बहुत बड़े बड़े पाइप हो गए हैं। इनके ज़रिए पानी को नहर के अंदर जो है वो
ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वो पानी वहाँ से इस नहर के अंदर आ रहा है जी। ये देखें, आवाम का रश नहीं है। और ये देखें जी, इस तरफ से ये पानी आ रहा है। ये देखें, ये जनाब गरीबों का स्विमिंग पूल है, बहुत ही ठंडा पानी है जी। व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखें, लाइट भी चली गई है और ये पानी बंद हो गया है। अब हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की देहात की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। ये देखें जी व्यूवर्स, ये नल, हमने इस तरह का नल पहले पाकिस्तान में नहीं देखा, इंडिया की वीडियोस में हम देखते हैं इस तरह के नल। बहुत बड़ा नल लगाया है और पानी इतना आ रहा है जितना एक मोटर, अच्छी बड़ी मोटर जो होती है वो। ओए होए, कितना ठंडा पानी यार, जैसे ओए होए होए होए, कमाल है जी। 200 फुट गहराई है इस नल की, साफ सुथरा पानी जैसे नेस्ले का पानी हो, इतना ठंडा पानी है यार। मैंने हाथ लगाया, मज़ा आ गया, साफ सुथरा पानी है, पीते हैं हम। लेकिन इतना ठंडा पानी है यार, मजा आ गया। इतना ठंडा पानी फ्रीजर में मिलता है हमें, कमाल हो गई जी। ये देखें व्यूवर्स, कैसा सीन आपको देखने को मिला है, कमाल का सीन है। लाइट आई है वहाँ पे, ये चेक करें।